छवि और मैं लेकर आई हूँ एंटरटेनमेंट से जुड़ी टॉप 10 न्यूज। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर ने जियो वर्ल्ड प्लाजा इवेंट से अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों में शनाया रैंप पर वॉक करती हुई दिखाई दे रही हैं। ब्लैक कलर के इंडो वेस्टर्न आउटफिट में वे बेहद ही बोल्ड और खूबसूरत लग रही हैं। शनाया कपूर का ये अंदाज लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण सीजन 8 के दूसरे एपिसोड में पहुंचे सनी देओल और बॉबी देओल। वहीं शो के रैपिड फायर राउंड के दौरान करण जौहर ने सनी को उनके साथ काम करने वाले कलाकारों की अच्छी और बुरी आदत के बारे में बताने को कहा। करण ने सबसे पहले नाम शाहरुख खान का लिया, जिस पर सनी ने कहा, शाहरुख की सबसे अच्छी बात यह है कि वो मेहनती है और जो बात मुझे उनकी नहीं पसंद वो है कि उन्होंने एक्टर्स को कमोडिटी बना दिया है। करवा चौथ के मौके पर मीडिया फिर से सीमा हैदर और सचिन मीना के घर पहुंची थी। इस दौरान जो वीडियो सामने निकल कर आया है वह बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एबीपी न्यूज ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें दुल्हन की तरह सजी सीमा हैदर नजर आ रही हैं। कैमरे के सामने इस बार सचिन ने सीमा के लिए गाना तुझे देखा तो ये जाना सनम गाया। सचिन घुटनों पर बैठकर सीमा हैदर के लिए रोमांटिक गाना गाते नजर आए। टीवी एक्ट्रेस चारू असोपा की बेटी जियाना का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। चारू की बेटी 2 साल की हो गई है। सोशल मीडिया पर इस सेलिब्रेशन की वीडियोस और फोटोज वायरल हो रही हैं। राजीव सेन भी इस बर्थडे पार्टी में चारू और अपनी बेटी के साथ पोज देते हुए नजर आए। एक्ट्रेस और बुआ सुष्मिता सेन भी पार्टी में नजर आई। चारू ने अपनी बेटी जियाना के साथ ट्रेनिंग की थी, वे दोनों ही पिंक कलर की ड्रेस में नजर आईं। करवा चौथ पर जहां हर सुहागन ने पति के लिए व्रत रखा, वहीं अनुष्का ने इस साल इसे स्किप कर दिया। उनकी नई पोस्ट पर पता चल रहा है कि उन्होंने करवा चौथ का व्रत नहीं रखा। जी हाँ, दरअसल स्नैक्स खाते हुए अनुष्का ने इस बात की झलक दिखाई है, जिसके बाद उनकी दूसरी प्रेगनेंसी की खबर को हवा मिल गई है। फोटो में अनुष्का ने पफ्स का पैकेट पकड़ा हुआ है और उसे कैमरे की तरफ दिखाती नजर आ रही हैं। इससे ये पक्का हो गया है कि अनुष्का ने करवा चौथ का व्रत नहीं रखा था और वो आराम से खा पी रही थी। कभी ओशो की पर्सनल सेक्रेटरी रही मां आनंद शीला पर बॉलीवुड में 2 बायोपिक अनाउंस हुई हैं, जहां एक और प्रियंका चोपड़ा तो वहीं दूसरी ओर आलिया भट्ट इसमें लीड रोल प्ले करने वाली थी। हालांकि ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स कभी शुरू नहीं हो पाए, पर शीला की इच्छा थी कि उनका किरदार आलिया भट्ट निभाए। हाल ही में यूट्यूब चैनल दास्ता को दिए इंटरव्यू में माँ आनंद शीला ने इस बारे में खुलकर बात की। पंजाबी कैनेडियन सिंगर शुभनीत सिंह उर्फ शुभ लंदन शो के दौरान एक बार फिर विवादों में फंस गए हैं। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की डेथ एनिवर्सरी पर उनके कत्लकांड की प्रिंटिंग हुडी को उन्होंने शो पर लहराया। इसके बाद से सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना हो रही है। बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी थी, जिसके बाद अब शुभ ने एक नोट लिखा है। उन्होंने लिखा, चाहे मैं कुछ भी करूं, कुछ ना कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे खिलाफ कुछ भी ढूंढ कर ले आते हैं। लंदन में मेरे पहले शो में दर्शकों ने मुझ पर ढेर सारे कपड़े, गहने और फोन फेंके। मैं वहां परफॉर्म करने गया था ये देखने के लिए नहीं कि मुझ पर क्या फेंका गया है या इस पर क्या बना हुआ है। कॉफी विद करण का दूसरा एपिसोड सामने आया, जिसमें सनी देओल और बॉबी देओल ने हिस्सा लिया। वहीं शो में करण जौहर ने शबाना आजमी और धर्मेंद्र के किस सीन को लेकर बात की। करण ने बताया, जब मैंने उन्हें सुनाया तो मुझे शर्म आ गई। यह सीन बताने में बेहद अजीब लग रहा था, वे क्योंकि सीनियर अभिनेता हैं। करण ने बताया कि उनका जवाब बहुत हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैंने ये पहले भी किया है और मैं अभी भी कर सकता हूँ। लियो एक्ट्रेस त्रिशा ने विजय के साथ काम करने के अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। उन्होंने कहा, ईमानदारी से कहूँ तो जब आपने किसी एक व्यक्ति के साथ इतनी सारी फिल्में की हो तो एक कंफर्ट लेवल बन जाता है। अब जब लोग पूछते हैं कि आप साथ में कब दिखाई देंगे तो ये सुनकर बहुत खुशी होती है और लोग हमारी केमिस्ट्री को काफी पसंद भी कर रहे हैं। विजय के साथ काम करने का मौका मिलता है तो लगता है कि घर वापस आ गई हूँ। कंगना ने हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की और प्रधानमंत्री को कृष्ण अवतार बताया। अभिनेत्री ने आगे अपने बयान के पीछे की वजह का खुलासा किया और कहा, मेरे ऐसे कहने की वजह यह है कि वह इस देश के लिए हैं, जैसे एक अवतार होते हैं वह हमारे लिए एक अवतार है। वह एक साधारण इंसान नहीं है, उनका जन्म जो है वो इस देश के उद्धार के लिए हुआ है।
ऐसे ही खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए, और वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।